वेलकम टू सी जी शिक्षा। मैं डी निशा सर। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स का 12th चैप्टर, जिसके अंतराल में हम लोग ये चीज़ क्वेश्चन नंबर 7 से सॉल्व करते हैं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6 से तक सॉल्व किए थे, अभी हम लोग 7 नंबर से सॉल्व करते हैं। लॉग एक्स स्क्वेयर के बारे में ई स्क्वेयर का, तो हम लोग इस चीज़ को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बेस पे हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। ये किस बेस पे आता है इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। ठीक है, इस बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, सॉल्व करते हैं इस नंबर के बेस पे। हम लोग सॉल्व करते हैं लॉग एक्स स्क्वायर के बारे में स्क्वायर में। तो दिया है लॉग लॉग, और यहाँ पर दिया गया एक्स स्क्वायर के बारे में ई स्क्वायर, ये दिया गया हमारे पास। लॉग एक्स स्क्वायर के बारे में दिया गया ई स्क्वायर, हमारे पास लॉग एक्स स्क्वायर के बारे में दिया गया ई स्क्वायर। ठीक है, तो इस बीच पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। तो आगे इस चीज़ को देखते हैं, दिया है लॉग एक्स स्क्वायर बाय में दिया गया ई स्क्वायर के बारे में। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं। ठीक है, तो माना कि वाई इक्वल टू लॉग, और ये दिया गया एक्स स्क्वेयर के बारे में ई स्क्वेयर, ये दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं भाई। इस चीज़ को हम लोग क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 का x के सापेक्ष, समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। ठीक है, समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, dy by dx इक्वल टू ये हो जाएगा d by dx हो जाएगा, और ये हो जाएगा log, और ये हो जाएगा x स्क्वेयर के बारे में e स्क्वेयर। ठीक है, तो इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा dy by dx इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, लॉग एक्स का क्या होता है 1 बाय एक्स, तो 1 बाय एक्स ये हो जाएगा, और डी बाई डी एक्स यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर के बारे में ई का स्क्वेयर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इस चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं भाई। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, dy/dx। जैसे कि हम लोग ये चीज़ जानते हैं भाई कि dy/dx sin x = cos x होता है, dy/dx cos x = sin x होता है, dy/dx cot x = cos x² होता है, dy/dx cosec x = cos x - cosec x cot x होता है। dy/dx के बेस पे इस क्वेश्चन के बेस हम लोग इस चीज़ को जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लॉग एक्स स्क्वेयर के बारे में ई स्क्वेयर के बेस हम लोग इस चीज़ को जानते हैं। तो दिया है लॉग एक्स स्क्वेयर के बारे में ई स्क्वेयर, तो माना कि वाई इक्वल टू हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वेयर के बारे में ई स्क्वेयर, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy/dx = dy/dx लॉग एक्स स्क्वेयर के बारे में ई का स्क्वेयर के बेस पे हो जाएगा। तो यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं, तो dy/dx = 1/x² बाय में ई स्क्वेयर हो जाएगा, dy/dx x² के बारे में ई का स्क्वेयर हो जाएगा। तो यहाँ पर dy/dx के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। तो यहाँ पर आगे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, ये आप लोगों का ई स्क्वेयर के बारे में हो जाएगा एक्स के स्क्वेयर इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा ई का स्क्वेयर, dy/dx x² - x² dy/dx ये हो जाएगा ई का स्क्वेयर बाय में कितना हो जाएगा ई का स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, ये हो जाएगा। ठीक, क्योंकि हम लोग ये चीज़ जानते हैं भाई, दो चीज़ हम लोगों ने ये सीखा है भाई कि dy/dx ये क्या होता है, u/v। तो यहाँ पर क्या होता है, v dy/dx ये होता है यू माइनस यहाँ पर क्या होता है यू dy/dx ये होता है भी के बारे में क्या होता है, भी का स्क्वायर ये होता है। मतलब यहाँ पर हम लोगों ने ये सीखा है कि हर गुणित अंश का अवकल गुणांक, हर गुणित अंश का अवकल गुणांक और माइनस यहाँ पर होता है अंश गुणित हर का अवकल गुणांक के बटे में क्या होता है भाई, हर का वर्ग,
के बटे में होता है हर का वर्ग होता है, ठीक है, के बटे में क्या होता है हर का वर्ग। तो डी बाई डी एक्स यू बाई भी के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखें कि भी डी बाई डी एक्स यू माइनस यू डी बाई डी एक्स भी के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखे हैं कि डी बाई डी एक्स यू बाई भी इक्वल टू भी डी बाई डी एक्स यू इक्वल माइनस यू डी बाई डी एक्स भी बाय में भी का स्क्वेयर के बेस हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 के बेस में आएगा, ठीक है। जब हमारे पास ये चीज़ दिया गया है कि दिया है कि एक्स स्क्वेयर के बारे में ई स्क्वेयर, तो वाई इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वेयर के बारे में ई स्क्वेयर समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी बाई डी एक्स लॉग एक्स स्क्वेयर के बारे में ई स्क्वेयर हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाय एक्स स्क्वेयर के बारे में ई स्क्वेयर हो जाएगा। डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वेयर के बारे में ई स्क्वेयर हो जाएगा। तो फिर से इस चीज़ को हम लोग पुनः अवकलन के बेस हम लोग देखते हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई स्क्वेयर बाय में हो जाएगा एक्स स्क्वेयर। तो ई स्क्वेयर डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डी बाई डी एक्स ई स्क्वेयर के बारे में ई स्क्वेयर का होल स्क्वेयर के बेस में हो जाएगी ये, ठीक है। तो चलिए, जैसे कि हम लोग ये चीज़ जानते हैं भाई कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स होता है, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स होता है, डी बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू क्या होता है, इस बेस पे हम लोग इस चीज़ को जानते हैं, ठीक है। तो उसी के बेस पे हम लोग इस चीज़ को चलिए आगे क्लियर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस यहाँ पर देखना चाहेंगे, तो यहाँ पर आप लोगों के पास ये हो जाएगा। देखिए, यहाँ से हमारे पास में ये जानकारी के बेस में आप लोगों को ये जानना जरूरी होता है कि डी बाई डी एक्स के बेस में कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है कॉस एक्स, और यहाँ पर डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू होता है माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स यहाँ होता है टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पर हो जाएगा डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, उसके बाद हो जाएगा डी बाई डी एक्स कॉट एक्स, कॉट एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। साइन कॉस टेन सेक कॉट, और यहाँ पर बचेगा कोसेक एक्स, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इस चीज़ को याद रखिएगा कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स होता है, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू होता है माइनस साइन एक्स होता है, डी बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स होता है, डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बीच हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, कॉस एक्स डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू होता है माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स इक्वल टू होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स इक्वल टू होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स के बेस पे आपके पास होता है, ठीक है। तो इस चीज़ इसको हम लोग आगे क्लियर करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से इस चीज़ को देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा ई का स्क्वायर बाय में एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर इस चीज़ को देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ई का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर, तो टू एक्स हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर इंटू हो जाएगा ई टू दी पावर के बेस में ई टू दी पावर एक्स के बेस पे आप लोग क्या होता है ई टू दी पावर एक्स के बेस हो जाएगा, तो ये आप लोगों का ये जीरो के बेस हो जाएगा, बाय में हो जाएगा ई टू दी पावर फोर के बेस हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा ई टू दी पावर टू बाय में एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा ई टू दी पावर टू टू एक्स ई के बाय में हो जाएगा ई टू दी पावर फोर ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास कटेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा डी वाई बाई डी एक्स ई टू दी पावर टू और इंटू टू एक्स ई टू दी पावर टू के बाय में ई टू दी पावर फोर इंटू यहाँ पर हो जाएगा एक्स का स्क्वेयर, ये कटेगा आपके पास तो यहाँ पर बचेगा डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू टू एक्स के बाय में एक्स स्क्वेयर, ये भी कटेगा तो यहाँ पर बचेगा डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू टू बाय एक्स बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से इसका फिर से करेंगे तो डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू हो जाएगा एक्स के बेस हो जाएगा, तो ये आपका टू हो जाएगा और ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ये हो जाएगा एक्स पावर माइनस वन हो जाएगा। फिर आगे इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर हो जाएगा टू इंटू माइनस वन एक्स स्क्वेयर माइनस टू हो जाएगा, तब यहाँ पर हो जाएगा डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर
इक्वल टू माइनस टू एक्स टू दी पावर माइनस टू, ये रहेगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर सेवन नंबर के बेस पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेवन नंबर के बेस पे ये रहेगा आप लोगों का आंसर। चलिए इसके आगे को देखते हैं हम लोग, इसके आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं किस तरीके से आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ जानकारी होनी चाहिए कि आप लोगों को ये किस तरीके से बनता है। ठीक है, ये डी बाई डी एक्स, जैसे कि आप लोगों के पास होता है साइन इनवर्स एक्स का, तो यहाँ पर ये कितना होता है डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का, यहाँ पर होता है वन बाय अंडरवुड में ये क्या होता है वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है। उसके बाद आप लोगों के पास सेकेंड चीज़ जो होती है, वो सेकेंड चीज़ ये होती है कि डी बाई डी एक्स यहाँ पर होती है, वो होती है कॉस इनवर्स एक्स होती है भाई। इस चीज़ को वन बाय अंडरवुड में माइनस वन बाय वन माइनस एक्स स्क्वायर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जानते हैं। तो डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वन बाय अंडरवुड में वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है, डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस वन बाय अंडरवुड में वन माइनस एक्स स्क्वायर के बेस पे आप लोगों के पास होता है। ठीक है, तो इस बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। और तीसरा जो हमारा होता है, तीसरा हमारे पास जो होता है वो होता है डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स। वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। और चौथा जो होता है भाई वो होता है हमारे पास डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स, ये होता है माइनस वन बाय वन प्लस एक्स का स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं पांचवा नंबर। पांचवा नंबर होता है डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स होता है, सेक इनवर्स एक्स इक्वल होता है वन बाय एक्स अंडरवुड में होता है एक्स स्क्वायर माइनस वन। और छठवा नंबर होता है हमारे पास डी बाई डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल होता है माइनस वन बाय एक्स अंडरवुड में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स के बेस पे ये होता है हमारे पास, और कॉस इनवर्स एक्स के बेस होता है और माइनस के बेस पे होता है। तो जैसे कि डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू हम लोग यहाँ से देखते हैं, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है वन बाय अंडरवुड में वन माइनस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है माइनस वन बाय अंडरवुड में वन माइनस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है, डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है माइनस वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है, डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है वन बाय के बेस हमारे पास एक्स अंडरवुड में क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस वन होता है, डी बाई डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है माइनस वन बाय एक्स अंडरवुड में एक्स स्क्वायर माइनस वन के बेस में होता है। तो एक साइन के बेस में होता है, एक कॉस के बेस में होता है, एक कॉस के बेस में होता है, एक साइन के बेस में होता है, तो साइन का कोसेक के बेस में होता है, कोसेक का साइन के बेस में होता है। ठीक है, तो इस बीच में जब आप लोगों के फार्मूला के बेस में ये जब क्रिएट होता है तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, नहीं तो यहाँ से भूल जाओगे आप लोग। ठीक है, जैसे कि साइन एक्स इक्वल टू वन बाई क्या होता है कोसेक एक्स, ये होता है साइन एक्स इक्वल टू वन बाई कोसेक एक्स, ये होता है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा हम लोग ये देखते हैं कि वन बाय कोसेक एक्स, वन बाय कोसेक एक्स इक्वल टू क्या होता है साइन एक्स, ये होता है। तीसरा हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर कोसेक एक्स, कोसेक एक्स इक्वल टू यहाँ पर क्या होता है वन बाय साइन एक्स। और चौथा क्या होता है भाई, चौथा हम लोग ये देखते हैं कि वन बाय साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है तो कोसेक एक्स। और पांचवा क्या होता है, तो पांचवा हमारे पास ये चीज़ होता है भाई कि पांचवा जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो पांचवा हमारे पास ये होता है कि साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स, कोसेक एक्स इक्वल टू वन होता है। और छठवा हमारे पास होता है वन इक्वल टू साइन एक्स इंटू क्या होता है कोसेक एक्स होता है। और सातवां नंबर में देखते हैं तो कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, सॉरी कोसेक एक्स इंटू साइन एक्स, साइन एक्स इक्वल टू वन। और आठवां नंबर होता है वन इक्वल टू यहाँ पर होता है कोसेक एक्स इंटू यहाँ पर होता है साइन एक्स के बेस पे, ये होता है हमारे पास। तो यहाँ से देखिए आठ फार्मूला यहाँ से हमारे पास आ रहा है, कितने फार्मूला आ रहे हैं भाई, यहाँ से हमारे पास आठ फार्मूला आ रहे हैं, कितने फार्मूला आ रहे हैं आठ फार्मूला आ रहे हैं। तो साइन एक्स इक्वल टू हो जाएगा वन बाय कोसेक एक्स, और वन बाय कोसेक एक्स इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स, तो साइन एक्स इक्वल टू हो जाएगा वन बाय कोसेक एक्स, और वन बाय कोसेक एक्स इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स, और साइन एक्स इक्वल टू वन बाय कोसेक एक्स, और वन बाय कोसेक एक्स इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स इक्वल टू वन बाय कोसेक एक्स, और वन बाय कोसेक एक्स इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स इक्वल टू वन बाय कोसेक एक्स, और वन बाय कोसेक एक्स इक्वल टू
साइन एक्स, तो साइन एक्स इक्वल टू वन बाय कोसेक एक्स, और वन बाय कोसेक एक्स इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स, वन बाय कोसेक एक्स इक्वल टू साइन एक्स, और साइन एक्स इक्वल टू वन बाय कोसेक एक्स, और साइन एक्स इक्वल टू वन बाय कोसेक एक्स, और वन बाय कोसेक एक्स इक्वल टू साइन एक्स हो जाएगा, वन बाय कोसेक इक्वल टू साइन एक्स हो जाएगा, कोसेक एक्स इक्वल टू वन बाय साइन एक्स, और वन बाय साइन एक्स इक्वल हो जाएगा कोसेक एक्स। तो ये फार्मूला का बेस होता है भाई हमारे पास। तो फार्मूला का बेस हम लोग ये चीज़ क्या पढ़ते हैं कि साइन एक्स इक्वल टू वन बाय कोसेक एक्स होता है, वन बाय कोसेक एक्स इक्वल टू साइन एक्स होता है, साइन एक्स इक्वल टू वन बाय कोसेक एक्स, वन बाय कोसेक एक्स इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स इक्वल टू वन बाय कोसेक एक्स, वन बाय कोसेक एक्स इक्वल टू साइन एक्स, कोसेक एक्स इक्वल टू वन बाय साइन एक्स, वन बाय साइन एक्स इक्वल टू वन बाय सॉरी वन बाय साइन एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स, वन बाय कोसेक एक्स इक्वल टू साइन एक्स, वन बाय साइन एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स होता है, ठीक है। तो इस बीच में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो पहला फार्मूला के बेस हमारे पास ये चीज़ आ गया कि यदि साइन एक्स है हमारे पास, साइन एक्स है तो साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, वन बाय कोसेक एक्स, साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, वन बाय कोसेक एक्स। दूसरा चीज़ को हम लोग देखते हैं, वन बाय कोसेक एक्स है अगर हमारे पास तो वन बाय कोसेक एक्स बराबर क्या होता है, साइन एक्स होता है। तीसरा कोसेक एक्स बराबर क्या होता है, वन बाय साइन एक्स होता है, कोसेक एक्स बराबर क्या होता है, वन बाय साइन एक्स होता है, ठीक है। तो पहला साइन एक्स इक्वल टू वन बाय कोसेक एक्स, और वन बाय कोसेक एक्स इक्वल टू साइन एक्स हो जाएगा। तो साइन एक्स इक्वल टू वन बाय कोसेक एक्स, और वन बाय कोसेक एक्स इक्वल टू साइन एक्स हो जाएगा, कोसेक एक्स इक्वल टू वन बाय साइन एक्स हो जाएगा। तो साइन एक्स इक्वल टू वन बाय कोसेक एक्स, और वन बाय कोसेक एक्स इक्वल टू साइन एक्स हो जाएगा। तो साइन एक्स इक्वल टू वन बाय कोसेक एक्स, और वन बाय कोसेक एक्स इक्वल टू साइन एक्स, वन बाय कोसेक एक्स इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स इक्वल टू वन बाय कोसेक एक्स, और कोसेक एक्स इक्वल टू वन बाय साइन एक्स, वन बाय साइन एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स, साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स इक्वल टू वन, वन इक्वल टू साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स हो जाएगा। तो वन बाय साइन एक्स इक्वल टू हो जाएगा कोसेक एक्स, और कोसेक एक्स इक्वल टू हो जाएगा वन बाय साइन एक्स। तो वन बाय साइन एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स, कोसेक एक्स इक्वल टू वन बाय साइन एक्स, साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स इक्वल टू वन, और वन इक्वल टू साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स, वन बाय साइन एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स, कोसेक एक्स इक्वल टू वन बाय साइन एक्स, साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स इक्वल टू वन, वन इक्वल टू साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स, कोसेक एक्स इंटू साइन एक्स इक्वल टू वन, और वन इक्वल टू कोसेक एक्स इंटू साइन एक्स का बेस हो जाएगा। तो इस फार्मूला का बेस जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो यहाँ से हमारा भी आ जाएगा, तो यहाँ चौथा नंबर में क्या आ जाएगा, वन बाय साइन एक्स इक्वल टू हो जाएगा कोसेक एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन। फिर हो जाएगा आप लोगों के पास साइन एक्स के बाय में कोसेक एक्स हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा वन। फिर हो जाएगा आप लोग पास कोसेक एक्स इंटू साइन एक्स के बाय में हो जाएगा आप लोगों का वन। फिर उसके बाद हो जाएगा वन इक्वल टू हो जाएगा कोसेक एक्स इंटू साइन एक्स के बेस में हो जाएगा आप लोगों का वन। तो ये आप लोगों का सिक्स फार्मूला हो जाएगा। जब साइन एक्स इक्वल टू हमारे पास ये दिया गया है कि वन बाय कोसेक एक्स हो जाएगा, वन बाय कोसेक एक्स इक्वल टू साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स इक्वल टू वन बाय कोसेक एक्स होता है, साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है, वन बाय कोसेक एक्स होता है, और वन बाय कोसेक एक्स इक्वल टू साइन एक्स होता है, साइन एक्स इक्वल टू वन बाय कोसेक एक्स होता है, और वन बाय कोसेक एक्स इक्वल टू साइन एक्स होता है, कोसेक एक्स इक्वल टू वन बाय साइन एक्स, वन बाय साइन एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स, वन बाय साइन एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स, कोसेक एक्स इक्वल टू वन बाय साइन एक्स। तो साइन एक्स इक्वल टू वन बाय कोसेक एक्स, और वन बाय कोसेक एक्स इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स इक्वल टू वन बाय कोसेक एक्स, और वन बाय कोसेक एक्स इक्वल टू साइन एक्स, वन बाय कोसेक एक्स इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स इक्वल टू वन बाय कोसेक एक्स, कोसेक एक्स इक्वल टू वन बाय साइन एक्स, और वन बाय साइन एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स। जिस तरीके से आप लोगों का ये फार्मूला बढ़ रहा है साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स इक्वल टू वन, उसी के बेस में यहाँ पर ये बढ़ रहा है कि वन इक्वल टू साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स, ठीक है। उसके बाद है कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स इंटू साइन एक्स इक्वल टू वन, और वन इक्वल टू हो जाएगा कोसेक एक्स इंटू साइन एक्स का बेस हो जाएगा। उसी के बेस में इस फार्मूला को हम लोग यहाँ से क्रिएट करते हैं। तो इस फार्मूला के माध्यम से तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का यहाँ पर कितना हो जाएगा, वन बाय अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद क्या हो जाएगा, सेकंड में डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस वन बाय अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर थर्ड नंबर में क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। चौथा नंबर में क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। पाँचवा नंबर में डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन बाय अंडर रूट में कितना हो जाएगा, वन बाय एक्स अंडर रूट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन। और छठवां नंबर में हो जाएगा डी बाई डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस वन बाय अंडर रूट में हो जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन के बेस में हो जाएगा, क्लियर। तो ये आप लोगों का साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वन बाय अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर के बेस में होगा। ये डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वन बाय अंडर रूट में हो जाएगा, वन अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर के बेस में हो जाएगा। और यहाँ पर अगर टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू देखेंगे तो वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन बाय अंडर रूट में एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन के बेस में हो जाएगा यहाँ पर। और डी बाई डी एक्स यहाँ से हम लोग देखते हैं, डी बाई डी एक्स
यहाँ से हमारे पास क्या है, डी बाई डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस वन बाय एक्स, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस वन के बेस में हो जाएगा। तो यहाँ पर सिक्स फार्मूला है, चाहे वह साइन इनवर्स एक्स के बेस पे हो, चाहे वह कॉस इनवर्स एक्स के बेस पे हो, चाहे वह टेन इनवर्स एक्स के बेस पे हो, चाहे वह कॉट इनवर्स एक्स के बेस पे हो, चाहे वह सेक इनवर्स एक्स के बेस पे हो, चाहे वह कोसेक इनवर्स एक्स के बेस पे हो, ठीक है। तो चाहे वह वन बाय अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वेयर हो, चाहे माइनस वन बाय अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वेयर हो, चाहे वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वेयर हो, चाहे माइनस वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वेयर हो, चाहे वन बाय एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वेयर माइनस वन हो, चाहे कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस वन बाय एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वेयर माइनस वन के बेसिस हो। जिस तरीके से साइन एक्स इक्वल टू वन बाय कोसेक एक्स, वन बाय कोसेक एक्स इक्वल टू साइन एक्स, कोसेक एक्स इक्वल टू वन बाय साइन एक्स, और वन बाय साइन एक्स इक्वल टू होता है कोसेक एक्स साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स इक्वल टू वन, वन इक्वल टू साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स, कोसेक एक्स इंटू साइन एक्स इक्वल टू वन, वन इक्वल टू कोसेक एक्स इंटू साइन एक्स के बेस हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसी के बेस से हमारे पास ये जो क्वेश्चन के अंतराल में था, वो क्वेश्चन के अंतराल में हम लोगों के पास इस तरीके से सातवां नंबर के बेस में, तो यहाँ पर हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं सातवां नंबर का, ए के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि यदि यदि यहाँ पर आप लोग पास ये चीज़ दिया गया है कि साइन एक्स के पावर एक्स दिया गया है, ठीक है, साइन एक्स का पावर क्या दिया गया है, एक्स दिया गया है, साइन एक्स के पावर एक्स दिया गया है, और प्लस यहाँ पर दिया गया है कॉस एक्स के पावर एक्स दिया गया है, ठीक है। तब यहाँ पर हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, उसी का हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं, पावर के बेस पे हमारे पास दिया गया, किसके बेस पे दिया गया, पावर के बेस पे दिया गया, पावर के बेस पे दिया गया, मतलब साइन एक्स टू द पावर एक्स प्लस कॉस एक्स टू द पावर एक्स के बेस पे दिया गया, साइन एक्स टू द पावर एक्स प्लस कॉस एक्स टू द पावर एक्स के बेस पे दिया गया, मतलब यहाँ पर साइन और कॉस दोनों को मिला करके दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन। तो वास्तव में क्वेश्चन किस तरीके सॉल्व होगा, जो हम लोग यूवी मेथड वाले जो कॉन्सेप्ट को क्लियर किए थे, जो कि लॉग के बेस में हम लोग उस चीज़ को जान चुके हैं, लॉग के बेस में उस चीज को पढ़ चुके हैं, लॉग के बेस में हम उस चीज को सॉल्व कर भी चुके हैं। तो चलिए उसी के बेस में हम लोग इस चीज को सॉल्व करते हैं, साइन एक्स के पावर एक्स प्लस कॉस एक्स के पावर एक्स के बेस पे आप लोगों के पास क्वेश्चन किस तरीके से आता है, ठीक है। तो चलिए इस चीज को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं भाई, यहाँ से इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व माना कि y इक्वल टू, यहाँ से इस चीज़ को भी मान लेते हैं, माना कि y इक्वल टू, माना कि y इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन एक्स के पावर एक्स प्लस कॉस एक्स के पावर हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से वाई इक्वल टू मान लेते हैं, साइन एक्स के पावर एक्स प्लस कॉस एक्स के पावर एक्स के बेस पे हमारे पास क्या हो जाएगा, तो साइन के बेस में क्या होता है, कॉस के बेस में क्या होता है, कॉस के बेस में क्या होता है, साइन के बेस में क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जानते हैं भाई कि साइन एक्स के पावर एक्स प्लस कॉस एक्स के पावर एक्स के बेस पे आप लोगों के पास क्या क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जानते हैं। तो चलिए यहाँ से जानते हैं भाई, तो यहाँ से जब भी हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि जो हेक्सागोन के रूप में हम लोग क्रिएट किए थे भाई, जो हेक्सागोन के रूप में हम लोगों ने ये क्रिएट किया था कि यहाँ से कि यदि ये चीज़ याद होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है, ये चीज़ें याद होनी चाहिए, बिल्कुल याद होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ से किसी को भूलना नहीं है, ठीक है। तो चलिए हमारे पास हेक्सागोन में यहाँ पर सिक्स साइड होते हैं, तो उसी प्रकार त्रिकोणमिति जो रेशियो होते हैं वो भी कितने होते हैं, सिक्स होते हैं, ठीक है। तो उसी के बेस में यहाँ पर इस चीज़ को बताया गया है। तो चलिए इस चीज़ के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि इसका आगे क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर हम लोगों को निकालना रहता है साइन एक्स का, तो साइन एक्स का क्या होता है, यहाँ पर उल्टा होता है कॉसेक एक्स, उसी प्रकार यहाँ पर टेन का, कॉट एक्स होता है, और यहाँ पर कॉस एक्स का क्या होता है, सेक एक्स होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से इस चीज़ को जानते हैं, साइन एक्स का कॉसेक एक्स, टेन एक्स का कॉट एक्स, और यहाँ पर सेक एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। बीच में हम लोग वन के बेस में हम लोग इस चीज़ को रख देते हैं, क्लियर। तो चलिए यहाँ पर हम लोग जानते हैं साइन एक्स के पावर एक्स प्लस कॉस एक्स के पावर एक्स, माना कि वाई इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर एक्स प्लस कॉस एक्स टू द पावर एक्स के बेस हम लोग इस चीज़ को जानते हैं। तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स के बेस हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, साइन और कोसेक के बेस में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, किसके बेस में देखते हैं, साइन और कोसेक के बीच भी देखते हैं। तो साइन और कोसेक के बीच में जब हम लोग इस चीज़ को जानते हैं, तो यहाँ पर साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है, कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है, टेन एक्स इक्वल टू क्या होता है, कॉट एक्स इक्वल टू क्या होता है, ये सारी चीज़ को हम लोग वन बाय वन करके जानते हैं यहाँ से। तो साइन एक्स के बेस में जानते हैं, कॉस एक्स के बेस में जानते हैं, कॉस एक्स के बेस में जानते हैं, साइन एक्स के बेस में जानते हैं, ठीक है। तो साइन एक्स के पावर एक्स प्लस कॉस एक्स के पावर एक्स के बेस हम लोग इस चीज़ को जानते हैं। तो माना कि वाई इक्वल टू साइन एक्स के पावर एक्स प्लस कॉस एक्स के पावर एक्स के बेस है, हमारे पास ये चीज़ दिया गया भाई कि माना कि वाई इक्वल टू साइन एक्स के पावर एक्स प्लस कॉस एक्स के पावर एक्स के बेस है, हमारे पास ये चीज़ दिया गया है। तो उसी के बेस हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या तरीके से आता है, किस तरीके से इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जानते हैं। तो यहाँ से माना कि y इक्वल टू हो जाएगा, अब मान लेते हैं कि माना कि
यू इक्वल टू साइन एक्स के पावर एक्स हो जाएगा और भी इक्वल टू कितना हो जाएगा कॉस एक्स के पावर एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर एक। अब यहाँ से देखते हैं भाई, अब समीकरण नंबर एक से देखते हैं, अब समीकरण नंबर एक से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा वाई इक्वल टू हो जाएगा यू प्लस भी हो जाएगा समीकरण नंबर दो हो जाएगा। ठीक है, तो साइन एक्स के पावर एक्स प्लस कॉस एक्स के पावर एक्स, माना कि वाई इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर एक्स प्लस कॉस एक्स टू द पावर एक्स के बेस पर जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि साइन एक्स के पावर एक्स प्लस कॉस एक्स के पावर एक्स, तो माना कि वाई इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स टू द पावर एक्स प्लस कॉस एक्स टू द पावर एक्स, तो माना कि यू इक्वल टू हो जाएगा साइन के बेस पर देखेंगे तो साइन के बेस हम लोग इस चीज़ को हो जाएगा तो साइन एक्स के पावर एक्स हो जाएगा और भी इक्वल टू कॉस एक्स के पावर एक्स हो जाएगा। आप समीकरण नंबर एक से हम लोग देखेंगे तो यह समीकरण नंबर दो हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं भाई समीकरण नंबर दो का, समीकरण दो का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण दो का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, समीकरण दो का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो साइन एक्स के पावर एक्स प्लस कॉस एक्स के पावर एक्स के बेस हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि साइन एक्स टू द पावर एक्स प्लस कॉस एक्स टू द पावर एक्स, माना कि वाई इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर एक्स प्लस कॉस एक्स टू द पावर एक्स के बेस हम लोग इस चीज़ को देखे थे, तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को मान लेते हैं कि माना कि यू इक्वल हो जाएगा साइन एक्स टू द पावर एक्स अब भी इक्वल टू हो जाएगा टेन एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा एक्स, अब समीकरण नंबर एक से वाई इक्वल टू हो जाएगा यू प्लस भी समीकरण नंबर दो, अब समीकरण नंबर दो का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन करने पर, तो एक्स के सापेक्ष हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं भाई अवकलन करते हैं, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो यहाँ पर क्या आता है इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। ठीक है, तो साइन एक्स टू द पावर एक्स प्लस कॉस एक्स टू द पावर एक्स, तो यहाँ से माना कि वाई इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर एक्स प्लस कॉस एक्स टू द पावर एक्स, माना कि यू इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर एक्स वी इक्वल टू हो जाएगा कॉस एक्स टू द पावर एक्स के बेस हो जाएगा। जिस तरीके से हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि साइन के बेस में क्या होता है, कॉस के बेस में क्या होता है, टेन के बेस में क्या होता है, कॉट के बेस में क्या होता है, इस सारी चीज़ को हम लोग यहाँ से जानते हैं। ठीक है, तो उसी मेथड से भी ये अभी भी आप लोग क्या होने वाला है सॉल्व होने वाला है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं भाई समीकरण दो का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर आप लोग पास हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू डी यू बाय डी एक्स, डी यू बाय डी एक्स प्लस ये हो जाएगा डी वी बाय डी एक्स के बेस हो जाएगा, ये हो जाएगा समीकरण नंबर, और हमारा दो है तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर तीन, ये हमारा कौन सा समीकरण हो जाएगा समीकरण नंबर तीन। ठीक है, तो साइन एक्स टू द पावर एक्स प्लस कॉस एक्स टू द पावर एक्स के बेस हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो आगे क्या आता है इस चीज़ को देखते हैं। मान लेते हैं कि माना कि वाई इक्वल टू है साइन एक्स टू द पावर एक्स है प्लस कॉस एक्स टू द पावर एक्स के बेस है, तो मान लेते हैं कि माना कि यू इक्वल टू इतना दिया गया है, तो आगे कितना आता है इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो माना कि वाई इक्वल टू साइन एक्स के पावर एक्स प्लस कॉस एक्स के पावर एक्स हो जाएगा, यहाँ से कॉस एक्स के पावर क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो माना कि यू इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर एक्स भी इक्वल टू कॉस एक्स टू द पावर एक्स, समीकरण नंबर एक का अवकलन करने पर तो वाई इक्वल टू यू प्लस भी ये हो जाएगा समीकरण नंबर दो। अब समीकरण नंबर दो का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स ये हो जाएगा समीकरण नंबर तीन। अब समीकरण नंबर तीन का हम लोग एक्स के सापेक्ष क्या कर देते हैं अवकलन करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग पहला मान लेते हैं कि चूंकि u इक्वल टू हमारे पास ये चीज़ दिया गया है कि u इक्वल टू यहाँ पर क्या दिया गया है साइन एक्स के पावर एक्स, साइन एक्स के पावर एक्स ये हो जाएगा। ठीक है, अब इस चीज़ को हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर चार, क्या दिक्कत है समीकरण नंबर चार का, समीकरण नंबर चार से हम लोग अब ये चीज़ देखते हैं दोनों पक्षों में, समीकरण चार के दोनों पक्षों में, समीकरण चार के दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में, समीकरण चार के दोनों पक्षों में, समीकरण चार के दोनों पक्षों में, समीकरण चार के दोनों पक्षों में एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा डी टू वाई बाई कितना हो जाएगा डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा इसका साइन एक्स के बेस पे करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को ऐसे ही करके भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग
यहाँ पर क्या कर सकते हैं, दो स्टेप में यहाँ से ये लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों में लॉग लेने पर क्या कर सकते हैं, दोनों पक्षों में लॉग लेकर के हम लोग इस चीज़ को बनाते हैं भाई। तो चलिए दोनों पक्षों में लॉग लेते हैं, तो दोनों पक्षों में लॉग लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं, तो दोनों पक्षों में यहाँ से कितना हो जाएगा, लॉग लेते हैं भाई, तो दोनों पक्षों में लॉग लेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इसके बेस में हम लोग यहाँ से जानते हैं भाई। तो दोनों पक्षों में लॉग लेते हैं तो क्या आता है, इसके बेस में हम लोग इस चीज़ को जानते हैं भाई। तो समीकरण नंबर के बेस पर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो समीकरण नंबर आप लोग 3, तो यह हो जाएगा समीकरण नंबर 4, ये आप लोग क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 4 हो जाएगा यहाँ से। तो समीकरण नंबर 4 से हम लोग यहाँ से देखते हैं, यू इक्वल टू साइन एक्स टू दी पावर एक्स, ये है आप लोगों का समीकरण नंबर 4। अब यहाँ से क्या करते हैं, समीकरण 4 के दोनों पक्षों में, समीकरण 4 के दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो हमारे पास ये दिया गया, माना कि वाई इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर एक्स प्लस कॉस एक्स टू द पावर एक्स, यू इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स टू द पावर एक्स, वी इक्वल टू कॉस एक्स टू द पावर एक्स। अब समीकरण नंबर 1 से वाई इक्वल टू यू प्लस वी, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, समीकरण नंबर 3, यू इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स टू द पावर एक्स हो जाएगा, समीकरण नंबर 4 के बेस पे हो जाएगा। अब समीकरण नंबर 4 के दोनों पक्षों में एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जिस तरीके से साइन एक्स के बेस में हम लोग ये चीज़ देखते हैं, साइन एक्स के बेस में क्या होता है, कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स साइन एक्स के बेस में कॉस एक्स होता है, टेन एक्स का कॉट एक्स होता है, कॉस एक्स का सेक एक्स होता है, तो उसी का अपोजिट के बेस पे हमारे पास क्या होता है, उसी चीज़ को यहाँ से हम लोग देखने वाले हैं। तो साइन के एक साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 बाय कॉसेक एक्स होता है, 1 बाय कॉसेक एक्स के बेस में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं ना, तो उसी के अकॉर्डिंग में है। तो यहाँ पर हम लोग अब देखते हैं समीकरण नंबर 4 के दोनों पक्षों में एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो समीकरण 4 के दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में फिलहाल अभी लॉग ले लेते हैं, दोनों पक्षों में लॉग ले लेते हैं भाई, समीकरण के दोनों पक्षों में क्या ले लेते हैं, लॉग ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर पावर लॉग के बेस पे है, लॉग लेने पर तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, लॉग यू इक्वल टू लॉग हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स के पावर एक्स के बेस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग करते हैं, समीकरण नंबर 4 के दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो लॉग यू कट हो जाएगा, लॉग साइन एक्स के पावर एक्स के बेस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इस चीज़ को देखते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, समीकरण अब एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, अब एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा, इस चीज़ को देखते हैं, 1 बाई यू, ये हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा लॉग एक्स डी बाई डी एक्स, यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स के पावर एक्स प्लस यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स के पावर एक्स डी बाई डी एक्स, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा लॉग एक्स के बेस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग साइन एक्स के बेस हो जाएगा, क्लियर। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, प्रथम फलन गुणित द्वितीय फलन, द्वितीय फलन गुणित प्रथम फलन गुणित द्वितीय फलन, और द्वितीय फलन गुणित प्रथम फलन के बेस पे हम लोग ये सारे चीज़ को यहाँ से देखते हैं भाई। तो ये सारे चीज़ यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो यहाँ पर क्या क्या आता है इस चीज़ को देखते हैं, तो साइन एक्स टू द पावर एक्स के बेस हम लोग इस चीज़ को देखे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, लॉग एक्स के बेस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स इंटू साइन एक्स के पावर एक्स के बेस, साइन एक्स के पावर एक्स के बेस पे जो दिया गया था, तो यहाँ पर एक्स लॉग साइन एक्स के बेस पे हो जाएगा। यहाँ पर इस चीज़ को करेंगे तो यहाँ पर एक स्टेप और हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, एक स्टेप के बेस पे यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये लॉग के बेस पे है तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से लिख देते हैं, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग यू, और यहाँ पर ये एक्स लॉग, और ये हो जाएगा साइन एक्स, ये हो जाएगा। अब यहाँ से एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो लॉग यू के बेस में 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स, ये हो जाएगा लॉग एक्स के बेस में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई, तो यहाँ से देखते हैं एक्स, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स लॉग, ये हो जाएगा ब्रेकेट में साइन एक्स हो जाएगा प्लस लॉग, और यह हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, ये क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। तो इस बीच से हम लोग यहाँ पर इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, तो 1 बाई यू ये हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू एक्स इंटू लॉग साइन एक्स का 1 बाय साइन एक्स होता है, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स होता है, प्लस यहाँ पर हो जाएगा लॉग ब्रेकेट में हो जाएगा
साइन एक्स का इक्वल टू इसका एक्स का होता है वन। तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं वन बाई यू, और ये हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स का इक्वल टू एक्स के बाय में हो जाएगा साइन एक्स इंटू यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स प्लस लॉग ब्रैकेट में हो जाएगा आप लोगों का साइन एक्स के बेस पे। ठीक है, ये आप लोगों का इस बेस पे हो जाएगा। अभी के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख रहे थे भाई, ये तो आप लोगों के यू के बेस पे हो गया, यू के बेस पे हम लोग इस चीज़ को निकालिए। अभी के बेस पे हमारे पास क्या है, वी के बेस पे हम लोग इस चीज़ को निकालते हैं। तो वन बाई यू डी यू बाय डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स के बाय में हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के बाय में वन प्लस यहाँ पर हो जाएगा लॉग और ब्रैकेट में हो जाएगा आप लोग साइन एक्स के बाय में वन के बेस से हो जाएगा। ठीक है, आगे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये आता है कि डी यू बाय डी एक्स इक्वल टू ये यू हो जाएगा और ब्रैकेट के बेस हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा एक्स के बाय में हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के बाय में वन प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा लॉग और यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन एक्स के बाय में वन के बेस्ट हो जाएगा आप लोगों का डी यू बाय डी एक्स के बेस्ट हो जाएगा। इसी प्रकार आप लोग भी के बेस पे आप लोग इस चीज़ को कर सकते हैं कि भी के बेस में हमारे पास जो भी दिया रहेगा उस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग आप लोग को बता सकते हैं। अब भी इक्वल टू होता है हमारे पास, अब भी इक्वल टू क्या होता है कॉस एक्स के पावर एक्स के बेस हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोगों को याद रखना है कि डी वी बाय डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा डी बाय डी एक्स और यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स टू द पावर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर इस बेस पे हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग पहला लॉग के बेस पे ले लेते हैं, पहला हम लोग लॉग के ले लेते हैं यहाँ से दोनों पक्षों में लॉग लेने पर यहाँ पर, क्योंकि लॉग मेथड से ये बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को लॉग लेने पर हम लोग यहाँ से क्या कर लॉग भी हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा लॉग हो जाएगा एक्स के पावर एक्स हो जाएगा लॉग के बेस पे। ठीक है, अब यहाँ से इस चीज़ को देखते हैं तो ये हो जाएगा लॉग भी, ये हो जाएगा एक्स लॉग हो जाएगा और ये हो जाएगा लॉग एक्स इस बेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो प्रथम फलन गुणित द्वितीय फलन का अवकल गुणांक, द्वितीय फलन गुणित प्रथम फलन का अवकल गुणांक के बेस पे हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा वन बाय वी डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा एक्स डी बाई डी एक्स लॉग लॉग एक्स प्लस लॉग लॉग एक्स इंटू एक्स के बेस में हो जाएगा वन के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स के बेस पे हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली निकालते हैं डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा इंटू कॉस लॉग कॉस एक्स के बेस हो जाएगा कॉस और यहाँ पर हो जाएगा लॉग एक्स के बेस हो जाएगा प्लस लॉग हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा आप लोगों के पास सेकेंड के कंटेंट के बेस में है टेन एक्स के बेस में यहाँ पर लॉग हो जाएगा और यहाँ पर आप लोगों का लॉग एक्स हो जाएगा। ठीक है, इंटू वन के बेस हो जाएगा। ठीक है, ये आपका डी वी बाई डी एक्स के बेस हो जाएगी। आप लोगों का समीकरण नंबर चार था, इसको हम लोग पाँच दे देते हैं, इसको हम लोग छः दे देते हैं। ठीक है, तो समीकरण पाँच व छः से समीकरण पाँच व छः से इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ से आप लोगों का आंसर के बेस ये हो जाएगा कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यू का वैल्यू जो आप लोगों का था साइन एक्स के पावर एक्स प्लस यहाँ पर हो जाएगा एक्स के बाय में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के बाय में वन ये वाला पोर्शन और प्लस ये वाला आपका पोर्शन एक्स के पावर कॉस एक्स लॉग एक्स के बेस हो जाएगा, ये रहेगा आपका आंसर। तो चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन के बेस पे। इसका आगे का क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेवन का ये ए नंबर है, बी नंबर को इसके बाद वाले वीडियो लेक्चर में देखते हैं।